नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का अभी कुछ समय पहले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया था और वजह बताई गई थी कि काफी बार टोकने के बाद भी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन रणजी के मैचेस यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जिस वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन उसके बाद फाइनली श्रेयस अय्यर रणजी के मैच खेलने पहुंच गए थे। अब सेमीफाइनल में तो श्रेयस अय्यर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे और फाइनल की पहली पारी में भी श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन नहीं निकले थे, लेकिन फाइनल मैच की दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर के बल्ले से तूफान देखने को मिला। मुंबई में रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है। ये फाइनल मैच मुंबई और विदर्भ की टीमों के बीच खेला जा रहा है, जिसमें श्रेयस अय्यर ने मुंबई की तरफ से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 111 गेंदों का सामना करते हुए 95 रनों की पारी खेली। इसमें 10 चौके 3 छक्के शामिल थे और शानदार बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर की तरफ से देखने को मिली। अब जब बल्लेबाजी कर रहे थे श्रेयस अय्यर तो सामने स्टैंड्स में दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर मुंबई पहुंचे थे इस मुकाबले को देखने के लिए, उन्होंने भी श्रेयस अय्यर के लिए तालियां बजाई और इसके बाद झलक दिखी रोहित शर्मा की भी। जी हाँ, रोहित शर्मा अब टेस्ट सीरीज खत्म हो चुके हैं, धर्मशाला से मुंबई रोहित शर्मा आ चुके हैं और अब मुंबई में थे और आईपीएल का कैंप भी मुंबई में ही लगेगा मुंबई इंडियंस का, जिस वजह से मुंबई में मौजूद रोहित शर्मा पहुंच गए स्टेडियम में वानखेड़े में, जहां पर श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी उन्होंने देखी। हालांकि उनका रिएक्शन भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जब श्रेयस अय्यर आउट हुए तो काफी ज्यादा दुख हुआ रोहित शर्मा को, लेकिन उसी बीच श्रेयस अय्यर के लिए ताली भी बजाते हुए रोहित शर्मा नजर आए हैं। अब श्रेयस अय्यर लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। अब विदर्भ ने कोशिश जरूर की थी, शुरुआत में श्रेयस अय्यर स्ट्रगल करते हुए भी नजर आए थे बल्ले के साथ, सेमीफाइनल में फ्लॉप हुए, उसके बाद फाइनल की पहली पारी में भी फ्लॉप हुए। शॉर्ट्स बॉल से काफी ज्यादा उनको परेशान करने की कोशिश की गई, चाहे वो उमेश यादव हो सामने की तरफ से, उन्होंने भी लगातार परेशानी खड़ी करी श्रेयस अय्यर के लिए। लेकिन उसके बाद जब एक बार सेट हो गए श्रेयस अय्यर तो उनके बल्ले से तूफानी पारी देखने को मिली। 111 गेंदों में 95 रनों की पारी और मुंबई की अब लीड 500 रनों से भी ज्यादा की हो गई है, यानी कि विदर्भ के लिए इस मुकाबले को जीतना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में विदर्भ की टीम पहुंच चुकी है और मुंबई की टीम काफी ज्यादा सुरक्षित स्थिति में यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि 500 से ज्यादा रनों की लीड हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे जो मुंबई के कप्तान हैं, उन्होंने अर्धशतक लगाया है, और इसके अलावा मुशीर खान जो सरफराज खान के भाई हैं, मुशीर खान वो भी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने दोहरा शतक लगाया था और फाइनल मैच में भी मुशीर खान ने शतक लगाया मुंबई के लिए और मुंबई को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। फिलहाल श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा आज आमने सामने देखने को मिले थे, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।